ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहां होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका यह उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है सर। वेल्थ क्रिएट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।